हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनी ब्लॉग। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, हमारा मार्शल पापा जी के साथ कैसे मस्ती कर रहा है। देखिए आप सब, ये बहुत बदमाशी करता है, इसको सीधा साधा मत समझिए आप लोग। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, करिए प्लीज। देखिए मेरा मार्शल पापा के साथ खेल रहा है सुबह के टाइम। अभी इसको सब लोग नहलाने भी लेके जाएंगे। अभी देखिए आज थोड़ा सा धूप हुआ है, ये कूद रहा है इधर उधर, कुत्ते को देख लिए इसीलिए इतना भूख रहा है। अरे देखिए, सबसे ज़्यादा घर में अपने पापा से ही प्यार करता है, ये देखिए कितना अच्छा है। और कल रात को हमारे घर एक चीज़ बनी थी, आप सब कमेंट करके बताइए ये क्या है जो बना है। आपको दिख रहा होगा फोटो, बताइएगा। और देखिए मार्शल अब नहाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है, घूम रहा है इधर उधर, डंडा डंडा लेके भाग रहा था सबका। ये देखिए, ये तो बॉल के पीछे पड़ जाता है एकदम, देख रहे हैं आप सब, बॉल के पीछे ही हमेशा लगा रहता है। बॉल कहीं भी आप फेंक देंगे वो वहाँ पे ही जाएगा। तो जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, ये इसी झाड़ी के पीछे छुप जाता है, निकलने का नाम ही नहीं लेता, पता नहीं कहाँ से निकलेगा। देखिए ये देखिए, इधर से निकल रहा है। और देखिए अब ये धीरे धीरे जा रहा है, अभी पापा इसको लेके जाएंगे नहलाने, नल पे ही नहलाएंगे इसको, उसके बाद छत पे लेके आएंगे। तो देखिए देखिए अभी नहा रहा है। इसके लिए शैम्पू अलग से आया, उसी से ये नहाता है, जर्मन शेफर्ड डॉग का एक शैम्पू आता है, उसी से ये नहाता है। आप सब देख ही रहे होंगे, इसको नहाने में बहुत मज़ा आता है, ये बहुत अच्छे से नहा लेता है, उसके बाद बैठ के कुछ को सुखा भी लेता है अच्छे से, जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे। आप सब कमेंट करके बताइए आपके घर कौन सा डॉग है, और आपको पालना, डॉग पालना अच्छा भी लगता है या नहीं, दोनों बताइएगा। तो देखिए ये नहा लिया एकदम, लगभग 3-4 पाउच से ये नहाता है, शैम्पू के पाउच से 3-4 शैम्पू लगाओ तब जाके ये नहाता है, और वो भी अच्छे से। इतनी अच्छी स्मेल है इसके शैम्पू की, क्या बताएं। और ये देखिए, ये देखिए ये छत पे आ गया है, और अपने आप को सुखाने के लिए कपड़ा रखा है ऊपर। ये देखिए हम इसको छत पे लाके बांध देते हैं, और ये खुद 10-20 मिनट में सूख जाता है। ये देखिए मेरे भाई के साथ कितना बदमाशी करता है, ये ऊपर चढ़ता है, मैं तो डर रहा था कहीं नीचे ना गिर जाए, इसलिए हम लोग इसको इस वाले छत पे बांधते हैं। अगर इस पे बांधे तो इस पे रेलिंग नहीं बनी है तो इस पे गिर भी सकता है। और देखिए जन्नत के साथ कैसे, देखिए जन्नत के साथ ही मेरी बहन है, इसके साथ कैसे ये जो है खेलता है, ये बहुत दुष्ट है। हमारे गांव में 2-4 कुत्ते हैं, जैसे कि रॉटवीलर, जर्मन शेफर्ड हमारे घर है, एक लैब्राडोर भी है, बस हमारे गाँव में 3 ही डॉग हैं, जिसमें सबसे दुष्ट डॉग यही है हमारे घर का। अरे देखिए कैसे उतरते हुए नीचे गया जी। देखिए इसको हम लोग रात में अंदर ही बांध लेते हैं, क्योंकि ये अभी छोटा है ना, इसको कुछ काटे ना इसीलिए। देखिए कैसे घूम रहा है, छत से उतरते वक्त ये थोड़ा सा डरता है, उसके बाद जैसे ही ये सीढ़ी नीचे उतरते उसके बाद दौड़ने लगता है। अरे ये देखिए अब इसको बांध के हम लोग लेके जाएंगे उस साइड बांधने के लिए। देखिए अभी ये गया बाहर, और बाहर जाने के बाद छत पे जितनी देर रहेगा उतनी देर तक सोएगा नहीं, बाहर जाने के बाद तुरंत ही सो जाता है ये, जैसे कि आप सब देख ही रहे होंगे। ये गया मेरा मार्शल, देखिए अब इसको यहाँ पे बांध देंगे, थोड़ा सा अभी भीगा भी है और सूख जाए उसके बाद ले जाएंगे। और इसके बाद देखिए शाम को इसको छोड़ दिए, कितना दौड़ रहा है ये देखिए, ये बहुत दौड़ता है, डंडा लेके मेरे भाई के साथ बहुत ही खेलता है ये। अगर इसके कहीं और फेंक देंगे तो जाके लेके आएगा वहाँ से भी, उसके बाद लेके घुस जाए।